कोई भी विचार नहीं था इसका पहले, और सुना रण का किसी घूस न बजरंग का था नहीं इसका था ना। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन कोई इरादा नहीं था इसका कोई चुनाव लड़ने का। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले दो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए और विनेश को जुलाना विधानसभा सीट से टिकट भी मिल गया, लेकिन बजरंग पुनिया सपोर्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब विनेश फोगाट राजनीति में आई हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सलाह ली होगी लोगों की, लेकिन जब इस बारे में उनके ताऊ महावीर फोगाट से पूछा गया कि क्या विनेश फोगाट ने आपसे कोई बात की थी या विनेश फोगाट चुनाव में आने के लिए पहले से मन बना चुकी थी, इस पर उनके ताऊ का कहना है कि पहली बात तो अगर विनेश फोगाट 2028 तक ओलंपिक खेलती तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतने का सपना सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का था। इसके बाद जब आगे के सवाल में उनसे पूछा गया कि विनेश राजनीति में कैसे आई, तो उनका सीधा सा कहना था कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इन दोनों ही पहलवानों का कोई भी मन राजनीति में आने का नहीं था। अब कांग्रेस ने क्या किया है, क्या बोला है, क्या कहा गया है जिसकी वजह से ये दोनों राजनीति में आने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन शुरुआत में कोई भी इनका मन राजनीति में शामिल होने का नहीं था। कहा यह भी जा रहा है कि इनके ताऊ ने कहा कि कांग्रेस की बजाय विनेश फोगाट जो है वो बीजेपी का टिकट लेकर चुनाव लड़ती तो फायदा होता। सुनिए महावीर फोगाट ने क्या कहा। देखिए जो विनेश का 2016 में जो मेडल से चुक गई थी, फिर 20 में भी, लेकिन अब जो 24 का था इसमें पेरिस ओलंपिक बहुत बड़ी है, उसने जो है अपना किया और जो है वो लास्ट में जो है डिस्क्वालीफाई करी 100 ग्राम से। तो इसी मेरी अपने विचार हैं और कोशिश रही मेरी भी 2028 ओलंपिक और लड़े, क्यों एक सपना था जो गोल्ड मेडल का, गोल्ड मेडल तो नहीं मिला लेकिन लोगों बड़ी जो है 140 करोड़ भारतवासियों ने बड़ा प्रेम प्यार और जो है दिया और उनकी इच्छा आज थी कि विनेश जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी। काफी हौसला बढ़ा है, काफी प्रेम प्यार दिया है, काफी दुख होया लोगों को। तो मेरी भी और सभी की यही जो 140 करोड़ भारतवासी सबकी आशा उम्मीद थी कि अब की बार तो गोल्ड मेडल नहीं आया लेकिन अगली बार विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी, काफी हौला पजाई किया। और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है मुझे जो है इस चीज़ का दुख है विनेश जो राजनीति में आएगी, लेकिन 2028 के चुनाव के बाद 28 ओलंपिक के बाद में उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। देखिए कोई भी विचार नहीं था इसका पहले, अब चुनाव लड़ने का किसी घूस न बजरंग का था नहीं इसका था ना। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका कोई चुनाव लड़ने का। ये सब एक ब्रजभूषण मनोगत कहानी करे है, ये झूठी बात है। देखिए ये पार्टी का निर्णय है, टिकट तो होती है किसी पार्टी के लिए, आप सबको तो टिकट मिलती नहीं है। जो बबीता का जो पार्टी निर्णय लिया है वो सोच समझ के निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है और 8 अक्टूबर को उसका नतीजा सामने आएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये दाव कितना सही बैठता है या भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।